खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव के साथ में टीवी डिबेट में अभद्रता करने पर किसानों का गुस्सा भड़क उठा है। प्रदेश प्रभारी इरशाद अली के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जमालपुर स्थित कृष्णा एनक्लोब कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभद्रता करने वाले बीजेपी पदाधिकारी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है और अध्यक्ष से माफी मांगने की भी मांग की है। माफी न मांगने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही महिला आयोग में भी किसान यूनियन शिकायत के लिए पहुंचेगा। आपको बता दें कि बीजेपी के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव को भी आमंत्रित किया गया था। डिबेट में जब अनीता यादव ने किसान हित की बात उठाई तो बीजेपी पदाधिकारी को यह बात नागवार गुजरी। उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुंडा मवाली बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया है। डिबेट चल रही थी तो उसमें हर पार्टी को कहने का अपना अधिकार होता है, हर पार्टी के पदाधिकारी थे, तो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव जी थी उन्हें किसानों के हित की बात की होगी तो उस पर एक भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भोकला कर उन्हें गुंडी कहा, उनका डिबेट पर अपमान किया। हम उसकी भरसक विरोध करते हैं और मांग करते हैं, अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो हम उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आप सख्त कार्रवाई हो और यदि वो किसी जिम्मेदार पद पर है तो उसको निष्कासन किया जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरदार सुखदेव सिंह विक्र के आदेश पर, आरिफ भाई के आदेश पर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी प्रदेशों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है।